लोग गीता शुरू करने से पहले कोर्स इस एक अध्याय के पहले शिला प्रभुपाद ने इमीजिएटली गुरु परंपरा की चर्चा की हुई है और ये समझना ज़रूरी है इनफैक्ट हम पढ़ेंगे पहले छः अध्याय तो चौथे अध्याय में भगवान ने बोला है एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षिओ विदु सकाल न महाता योगो भ्रष्ट परंतपा भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान परंपरा के थ्रू प्राप्त होता है अब परंपरा क्या है परंपरा अगर एक शब्द में समझें तो स्कूल है जहाँ पे गुरु शिष्य को ज्ञान देता है शिष्य शिशे अपने शिष्यों को ज्ञान देता है फिर शिष्य फिर गुरु बनता है अपने शिष्यों को ज्ञान देता है ऐसे चलते चलते शिष्य या गुरु उसका गुरु एक किसी उसका अपना गुरु होगा अपना गुरु होगा भगवान तक पहुँचती है तो भगवान से वो ज्ञान फ्लो करते हुए आता है जैसे आप पाइप लगाओ टंकी पे तो पानी बहते हुए आते हैं है नहीं कनेक्शन टूट जाएगा तो पानी नहीं आएगा तो प्रभुपाद ने दिया है कि हमारी परंपरा क्या है ये जो हम गीता पढ़ रहे हैं जो प्रभुपाद जी की यथारूप इसमें प्रभुपाद जी ने जो जो टिप्पणी लिखी है एक्सप्लेनेशन दी है टीका दी है हमें कैसे पता वो सही है गलत है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गीताएँ लिखी हैं करोड़ों लोगों ने क्रिकेटर्स ने लिखी है पॉलिटिशियन ने लिखी है महात्मा गांधी जी ने लिखी है वल्लभ भाई पटेल ने लिखी है ओशो रजनीश ने लिखी है <laughs> पता नहीं किस किस ने लिखी है बनारस में बैठे टीचर ने लिख दी है बंगाल में बैठे पान वाले ने लिख दी है वही कुछ भी लिखता रहता है तो आपको अप, अपने अपने आइडिया नहीं फिलासफ़र्स वेस्टर्न फिलासफ़र्स ने लिखे चलो भारत तो छोड़ दो तो पाश्चात्य देश में लोगों ने फिलासफर्स ने लिख दी है साइंटिस्ट ने लिख दिए हैं तो मगर ये ज्ञान परंपरा से आ रहा है जैसे परम्परा ऐसे नहीं आएगा भगवान से कनेक्टेड नहीं होगा तो वो गलत होगा उसमें गलत आइडियाज़ होंगे तो प्रभुपाद गुरु परम्परा लिख रहे हैं गुरु परम्परा में आप प्रभुपात लिख रहे हैं श्री कृष्णा सबसे पहले कृष्ण भगवान थे आप पढ़ के देखो शिला प्रभु पहले कृष्ण भगवान थे आखिरी शिला प्रभुपाद हैं थर्टी टू नंबर पे ऐसी भक्ति विधानता स्वामी प्रभुपाद और बीच में आप देखिए फ्लो बनता जा रहा है भगवान ने ब्रह्मा जी को दी ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया व्यासदेव ने मध्वाचार्य को दिया मध्वाचार्य ने अपने चार शिष्यों को ज्ञान दिया पद्मनाभ तीर्थ नर तीर्थ माधव तीर्थ अक्षोभ तीर्थ ये सब चारों एक साथ थे मधवाचार्य के डिसाइपल थे वैसे तो यहाँ पे तो छः सात आठ नौ लिखा है मगर ये शिक्षा गुरु थे एक दूसरे के पद्मनाभ तीर्थ नरहरी तीर्थ के शिक्षा गुरु थे, थे। सीनियर थे नरहरी तीर्थ फिर माधव तीर्थ के माने माधव तीर्थ अक्षोभ तीर्थ अक्षोभ तीर्थ तो माधवाचार्य के आखिरी डिसाइपल थे फिर अक्षोभ तीर्थ के शिष्य हुए जय तीर्थ जिनको टीकाचार्य कहते हैं मधवा संप्रदाय में उन्होंने मधवा की किताबों पर टीकाएँ लिखी हैं फिर जय तीर्थ के तीन शिष्य हुए हैं ज्ञान सिंधु दयानिधि विद्यानिधि विद्यानिधि के राजेंद्र राजेंद्र के फिर जय धर्म पुरुषोत्तम ब्रह्मण्य तीर्थ ब्रह्मण्य तीर्थ के शिष्य व्यासा तीर्थ व्यासा तीर्थ के लक्ष्मीपति तीर्थ लक्ष्मीपति तीर्थ के माधुवेपुरी और फिर माधुवेपुरी के बाद तो हमें पता है ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु छे गोस्वामी फिर रघुनाथ गोस्वामी फिर उसके बाद फिर कृष्णदास का गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी के डिसाइपल फिर उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं नरोत्तम दास ठाकुर कृष्णा के गोस्वामी के डिसाइपल हैं आई थिंक या रामचरण चक्रवर्ती उनके डिसाइपल हैं कृष्णचरण चक्रवर्ती या आई थिंक रामकृष्ण चक्रवर्ती और उनके डिसाइपल हैं नरोत्तम दास ठाकुर ओ सॉरी सॉरी आई मेड अ मिस्टेक कृष्णदास कविराज गोस्वामी के डायरेक्ट डिसाइपल नरोत्तम नरोत्तम दास ठाकुर जीवा गोस्वामी के डिसाइपल हैं बट कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बाद लिखे गए हैं क्योंकि उनसे जूनियर थे वो नरोतम दास ठाकुर के डिसाइपल थे विश्वनाथ विश्वनाथ डायरेक्ट डिसाइपल नहीं है बीच में नरोतम दास ठाकुर के डिसाइपल रामचंद चक्रवर्ती फिर उसके बाद रामकृष्ण चक्रवर्ती या राम कृष्णचंद चक्रवर्ती और फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर तो वो बीच में उन डिसाइपल्स का नाम नहीं लिखा है क्योंकि वो मेन प्रीचर्स नहीं थे इतने बड़े आचार्य नहीं थे बट एनी बे परम्परा चल रही है फिर उसके बाद बलदेव विद्याभूषण फिर जगन्नाथ आसाबाजी भक्ति विनोद ठाकुर गौर गौरकिशोर रावाजी भक्ति सिद्धांत और प्रभुपाद तो आप देख सकते हो परंपरा में फ्लो बना हुआ है और जो भगवान ने ज्ञान दिया वही प्रभुपाद को मिल रहा है अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है बहुत इंपॉर्टेंट लोग पूछते हैं कि अर्जुन क्यों नहीं है इस परंपरा में अर्जुन कहाँ हैं भगवान ने तो अर्जुन को दी थी ये ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए और नारद मुनि कहाँ से आ गए बीच में तो वो परंपरा कहाँ है अर्जुन क्यों नहीं है वेल well, इसके दो क्वेश्चन आंसर हैं पहला आंसर यह है भाई कि अर्जुन परंपरा नहीं है भगवान की गीता परंपरा में है भगवान ने जो अर्जुन को गीता बोली वो परंपरा में आई है अर्जुन परंपरा में है नहीं है वो क्वेश्चन नहीं है भगवान ने कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया ब्रह्मा ने नारद को नारद ने व्यासदेव जी को और व्यासदेव जी ने आ, फिर यही ज्ञान जब कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा था तो बैठ के देखा था दिव्य दृष्टि से शिला प्रभुपाद अपने 18वें अध्याय के सेवेंटी फिफ्थ श्लोक में लिख रहे हैं अध्याय के सेवेंटी फाइव श्लोक में ऑलमोस्ट एंड में संजय कह रहे हैं और प्रभुपाद उसके पपट में लिख रहे हैं संजय कह रहे हैं व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद् तुयम अहम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात् साक्षात कथयता स्वयं व्यास की कृपा से मैंने परम गु बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से के अर्जुन के प्रति कही गई जाति सुनी थी और शिला प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक है देख ले क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं अतः व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वह कृष्ण के साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुहैया ज्ञान को समझ सकता है यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता अतएव उसका ज्ञान अधूरा है आप देख रहे हो शिला प्रभुपाल लिख रहे हैं यहाँ पर उसके बाद प्रभुपाल लिख रहे हैं यहाँ पर आ, लेकिन यह समझ लेना चाहिए जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझने समझ सकने के लिए भाग्यशाली था उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात समझने समर्थ में समर्थ हो सके वसुता कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है देख रहे हैं आप तो भगवान के शिष्य कितने हुए भगवान जब बोल रहे थे कितने शिष्य हो गए गीता बोल रहे थे एक अर्जुन शिष्य है व्यासदेव शिष्य है और संजय शिष्य है, तीन शिष्य तीन शिष्य हुए जब भगवान ने गीता बोली से अर्जुन ने नहीं सुनी समझी व्यासदेव जी ने समझी व्यासदेव जी की कृपा संजय ने और इन तीन शिष्यों में गुरु परंपरा किसने चष्ट शुरू बनाई व्यासदेव जी ने चलाई परंपरा अर्जुन ने किसी को और को बताया होगा वहां से परंपरा नहीं चली संजय ने डिस्कस किया होगा वहां से नहीं चली व्यासदेव जो शिष्य थे कृष्ण के उन्होंने जो गीता सुनी वहाँ से परंपरा आई है तो व्यासदेव ने अपने गुरु नारद से भी ज्ञान लिया कृष्ण ने ब्रह्मा को दे भ्रमन नारद और व्यासदेव जी ने अर्जुन और कृष्ण का संवाद सुना और वो गीता का ज्ञान भी लिया उनको मिलाकर नीचे मध्वाचार्य को उन्होंने पास कर दिया इसलिए अर्जुन का नाम नहीं आता दूसरा कारण ये है अर्जुन का नाम इसलिए नहीं आता शंकराचार्य खुद बता रहे हैं गीता महात्मा में अब इसके जस्ट प्रभुपाद ने इसी भूमिका गुरु परंपरा के पीछे आ, ये गीता महात्मा का छठा श्लोक लिखा है आप पढ़ सकते हो सर्व उपनिषद गा वो दोगदा गोपाल नंदना पार्थो बत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम शिला प्रभुपाल लिख रहे हैं कि सारे उपनिषदों को अगर शंकराचार्य कह रहे हैं सारे उपनिषदों को अगर गाय बना लें दोगदा गोपाल नंदना तो दूध निकालने वाला कौन है उस उस गाय में से सार निकालने वाला कौन है कृष्णा और कृष्णा वो 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 दूध दे रहे हैं उपनिषद में से निकाल के गीता का गीता अमृत का दूध और किसको पिला रहे हैं पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता अर्जुन को पिला रहे हैं अब वेल शंकराचार्य ने पा अर्जुन को वत्स बोला है बछड़ा तो वैसे सिटी वालों को पता नहीं होता गाय क्या होती है उनको तो मदर डेयरी पता है मगर अगर आपने गाय को दूध निकालते हुए देखा है तो आपको पता लगेगा कि गाय का दूध निकालते हैं तो पीछे रस्सी बांधते हैं उसके पैर और बछड़े को लेकर आते हैं आप ऐसे निकालोगे नहीं निकलेगा बछड़े को ले बछड़े का मुँह लगाएंगे थन पे और थोड़ी देर पीने देंगे और दूध बहने लगेगा और फिर बछड़े को हटा देंगे फिर दूध वाला आएगा श्च, 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 निकाल के बांट देगा तो वही बात है वही बात हुई। आ, भगवान भगवान दूध निकाल भगवान तो दूध निकाल रहे हैं उपनिषदों से और मगर फ्लो कब बनेगा उस वहां से वो वो गीता भगवान ने अर्जुन को कब बोली गीता जब भगवान अर्जुन के साथ कांटेक्ट में आए जब बछड़े ने गाय का अपना मुंह लगाया थन पे तब तब दूध बहने लगा तो जब अर्जुन कृष्ण के साथ आए तब भगवान का स्नेह जाग गया और भगवान ने गीता बोलनी शुरू की आप देखेंगे गीता में बार बार कृष्णा कह रहे हैं भूय ए महाबाहो दसवें अध्याय में कि अर्जुन मैं दोबारा से तुम्हें बता रहा हूँ चौथा अध्याय तो भगवान उन्होंने खुद ही बोलना शुरू कर दिया अर्जुन ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा और फिर उसके बाद तेरहवें अध्याय में भगवान फिर कह रहे हैं मैं और गुए तमाम ज्ञान बता रहा हूं तुम्हें सो so, भगवान खुद से बता चाह रहे हैं क्यों भक्तो असी में सखा चेती क्योंकि तुम तो मेरे भक्त हो मेरे सखाओ तो अर्जुन को देखकर भगवान का स्नेह उमड़ रहा है भगवान बताते जा रहे हैं जैसे गाय के थन पे बछड़ा मुख लगाता है तो स्नेह से दूध बहने लगता है और फिर बछड़े को हटा देते हैं और फिर फिर दूध जो कलेक्ट होता है सबको बाँट दिया होता है तो अर्जुन तो बछड़े की तरह अर्जुन की वजह से भगवान के हृदय से गीता प्रकट हुई और फिर अर्जुन बछड़े की तरह साइड में हो गया वो गीता का ज्ञान सबको बढ़ गया बस व्यासदेव जी ने बाँट दिया काम खत्म हो गया व्यासदेव जी दूध वाले हैं जो बाल्टी लेके जाते हैं सबको बाँट देते हैं काम खत्म हो गया अर्जुन को परंपरा में होने की जरूरत ही नहीं है अर्जुन का तो बस ये रोल था कि भगवान के हृदय से गीता बहने लगे या जो बछड़े का रोल होता है बछड़े को साइड कर देते और फिर व्यासदेव जी ने बाल्टी लिया और बांट दिया इसलिए अर्जुन का नाम परंपरा में नहीं दो कारणों से अर्जुन का नाम परंपरा में नहीं है हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद की जाए